प्रशासन जहां एक तरफ गांव के विकास के नाम पर पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं विकास के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। कई ग्राम ऐसे हैं जहां आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। मामला मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का है, जहां बसा मटिया चक गांव, जहां सड़क, बिजली, आवास, आंगनबाड़ी नहीं है। इस बात की शिकायत ग्रामीणों ने SDM विजय यादव को बताई, वहीं समस्या के निराकरण की मांग भी की। ग्रामीणों का कहना है कि मांग पूरी नहीं होने पर पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा तक चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 25 सालों से सड़क, पानी, बिजली नहीं है, जिसकी वजह से अंधेरे में जीवन यापन करना पड़ रहा है। वहीं नदी के किनारे गड्ढे खोदकर जमीन से गंदे नाले का पानी पीने को मजबूर है। इसीलिए आक्रोशित ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी। अभी आप वोट नहीं देने की बात कर रहे थे, ग्राम पंचायत में अगर रोड, पानी नहीं, बिजली नहीं मिलेगी तो वोट नहीं देंगे, किस वजह से? नहीं देंगे, रोड और पानी नहीं आएगा, बिजली नहीं आएगी तो नहीं देंगे, किस वजह से? हमारी समस्या जो है कि पीने के लिए पानी नहीं है, यानी कि SDO साहब को 2 बार आवेदन लगा चुके हैं, लाइट नहीं है हमारे पास, कहीं आस पास से रास्ता निकलने के लिए नहीं है, कोई रात में बीमार हो जाता है तो कंधे फिरक के साथ ईशा लगाने के लिए रास्ते में, यानी मरीज खत्म हो जाता है, लेकिन रास्ता नहीं है कहीं नहीं निकलने से, यानी पानी। तो अभी आपने शिकायत की है? अभी आपने शिकायत की है SDO साहब का, आवेदन लेके गए थे। अगर आपकी शिकायत निराकरण नहीं होता तो क्या करेंगे? वोट नहीं देंगे, कोई व्यवस्था नहीं होगी तो वोट नहीं देंगे, इस बार भी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, वोट डालने कोई भी नहीं जाएगा, एक भी व्यक्ति वोट डालने नहीं जाने देंगे। नारेबाजी लगा रहे हैं वो तो, और बहिष्कार कर रहे हैं पंचायत। वो ग्राम है, राज ग्राम नहीं है, वो बनमुही ग्राम है, वो बिचरा गाँव है। उनका कहना है कि गाँव उनके लिए पट्टे भी हैं और स्कूल भी है, सब सारी चीजें ये बनभूमि के लिए मिलकर, इसके बारे में मुझे पता करना चाहता हूँ। जानकारी देखिए, जानकारी जो है वो ये है कि जो गांव है वो फॉरेस्ट लैंड में है, और फॉरेस्ट लैंड में होने की वजह से वहाँ कोई भी जो बेसिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकता है, वजह ये है। उनमें तो भी ये लोग मेरे पास आए थे पानी की समस्या को लेकर, तो हैंडपम्प का सुधरवा दिए गए थे, फिर तो बीच में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, उसके पश्चात ही परसों ही ये लोग मेरे पास में आए हैं। तो जो पानी की समस्या है हम उसको शॉर्ट आउट करा रहे हैं, PHE अधिकारियों को भेज दिया गया है कि हैंडपम्प जो पेयजल व्यवस्था है उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करें।